नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 16 नवंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीते दिन जनता दरबार में सीएम ने सुनी फरियादियों की फरियाद। बिहार में 1.89 करोड़ मनरेगा मजदूर परिवार का होगा। बिहार में बंद हो सकते हैं इतने निजी अस्पताल। बिहार के 11 जिलों में टीबी रोगियों की होगी पहचान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जनता दरबार में सीएम ने सुनी फरियादियों की फरियाद। बीते दिन सीएम नीतीश ने एक बार फिर से अपना जनता दरबार लगाया था, जिसमें अलग अलग जिलों से आए फरियादियों की फरियाद उन्होंने सुनी और संबंधित अधिकारियों को जवाब तलब किया है। इसके अलावा सीएम नीतीश ने ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, खाद्य आपूर्ति, पंचायती राज समेत अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई की। इस दौरान गया से आए फरियादी की शिकायत पर सीएम नीतीश ने मुख्य सचिव को तलब किया और कहा कि यह तो कमाल है, तुरंत इस मामले को देखिए। वहीं गोपालगंज के एक युवक की फरियाद पर सीएम नीतीश को गुस्सा भी आया। बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे चित्रगुप्त की। चित्रगुप्त श्रीवास्तव का जन्म आज ही के दिन साल 1917 को बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। चित्रगुप्त श्रीवास्तव, जिसे चित्रगुप्त के नाम से जाना जाता है, हिंदी सिनेमा और भोजपुरी सिनेमा में एक भारतीय फिल्म संगीत निर्देशक थे। वो उस समय अत्यधिक साक्षर थे और 2 विषयों में स्नातकोत्तर थे। उनके बेटे आनंद और मिलिंद श्रीवास्तव भी बॉलीवुड संगीत निर्देशक है। चित्रगुप्त ने 1946 से 1998 तक फैली 150 फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। उनमें से लोकप्रिय थे जबक, भाभी, ऊंचे लोग, आकाशदीप, वासना, औलाद, इंसाफ की मंजिल और काली टोपी लाल रुमाल। 1962 में मीना कुमारी और सुनील दत्त अभिनीत मैं चुप रहूंगी की रिलीज के बाद वो एक घरेलू नाम बन गए थे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बिहार की सियासत का रनवे हुआ तैयार। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट उतरने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की लड़ाई शुरू हो गई है, जिसमें अब कहीं न कहीं बिहार भी शामिल हो गया है, क्योंकि बिहार से दिल्ली का रास्ता अब इसी एक्सप्रेसवे से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अब अगले साल होना है। जदयू, हम वीआईपी जैसी बिहार की राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने के लिए कमर कस चुकी हैं। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए के करीब सभी घटक दल उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण के आधार पर अपने लिए चुनावी समर में सफलता का रास्ता खोज रहे हैं। मुकेश सहनी ने 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी मंशा जाहिर की है। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी उत्तर प्रदेश जाने के लिए तैयार है। बिहार के 1.89 करोड़ मनरेगा मजदूर परिवार का होगा बीमा। बिहार में मनरेगा से अनुबंधित 1.89 करोड़ मजदूर परिवारों को बीमा के दायरे में लाया जाएगा। इसमें 46,66,000 महिला मजदूर शामिल है। इन सभी का जीवन और स्वास्थ्य बीमा करवाया जाएगा। कोरोना काल में मनरेगा मजदूरों के समक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी दिक्कतों को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने कार्य योजना तैयार कर ली है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा आयुक्त सीपी खंडूजा ने सभी जिलों के डीएम सह जिला कार्यक्रम समन्वयक और डीडीसी सह अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक को पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद वैसे मनरेगा मजदूर जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करवाने में सक्षम है, वैसे मजदूरों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आवश्यक रूप से अक्षादित कराया जाएगा। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को मिले 478 नए अधिकारी। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को बीते दिन 478 नए अधिकारी मिल गए हैं। इसके साथ ही विभाग में बुनियादी पदों के अधिकारियों की कमी भी दूर हो गई है, क्योंकि विभाग काफी लंबे समय से अधिकारियों की कमी से जूझ रहा था। पदों को भरने के लिए उनकी निर्भरता दूसरे विभाग पर थी। ज्ञात हो, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर विभाग को 566 राजस्व अधिकारी दिए गए थे। इनमें से 88 अधिकारियों की सेवा फिलहाल विभाग को नहीं मिल रही है, क्योंकि 44 ने अपने प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं किया है, जबकि 44 के प्रमाण पत्र अधूरे। बिहार में लागू रहेगा शराबबंदी। बीते दिन जनता दरबार के आयोजन के बाद आज सीएम नीतीश शराबबंदी को लेकर बैठक करने वाले हैं, जहां हर एक बिंदु पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इस बात का पता लगाया जाएगा कि शराबबंदी लागू होने के बावजूद किन की लापरवाही के कारण बिहार में शराब का कारोबार हो रहा है, उस पर चर्चा होगी। इस बाबत बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि शराब कितनी बुरी चीज है, पियोगे तो जान जाएगी ही, फिर भी लोग इधर उधर से शराब पी ले रहे हैं, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इसके साथ ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी कानून से वो एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। बिहार में बारिश के आसार, फिर बढ़ेगी ठंड। बिहार में भले ही बरसात का प्रभाव कम हो गया हो, लेकिन अभी भी ठंड का प्रभाव उतना नहीं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्वी हवा के प्रवाह के कारण ठंड का असर नहीं दिख रहा है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 23 नवंबर तक ठंड का प्रभाव इसी तरह का रहेगा और 23 नवंबर के बाद एक बार फिर से ठंड की वापसी हो सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पूर्वी हवा के प्रवाह के कारण 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। इधर मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार का कहना है कि इस बार ठंड का प्रभाव अधिक समय तक रहेगा। उन्होंने कहा है कि इसका सीधा असर मानसून से है। प्री और पोस्ट मानसून के दौरान औसत से अधिक बारिश हुई है। मानसून का
असर ठंड पर दिखाई देगा, इसलिए इस बार ठंड का प्रभाव अधिक होने के आसार है। साथ ही लंबे समय तक रहने की भी बात कही जा रही है। बोगस वोटरों की होगी गिरफ्तारी। बिहार में पंचायत चुनाव जारी है और बीते दिन सातवें चरण का मतदान करवाया गया। पंचायत चुनाव के दौरान बोगस वोटरों को लेकर निर्वाचन आयोग लगातार एक्शन में है। आयोग ने पंचायत चुनाव में बायोमेट्रिक मशीन से मतदाताओं की पहचान करने का प्रयोग सफल होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग फर्जी वोटरों को लेकर सख्त हो गई है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र भेजकर बोगस वोटर्स को लेकर खास निर्देश जारी किया है। आयोग ने सभी जिलों से बोगस वोटरों की संख्या और उन पर हुई कार्रवाई को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले चरणों में आयोग ने बायोमेट्रिक मशीन से सही पहचान नहीं होने के कारण वोट नहीं डाल पाने वाले वोटरों को केवल रिजेक्ट वोटर माना था। ज्ञात हो बोगस वोटर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171 डी और 171 एफ के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। बीटीआर में होगी सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार अब तक कई काम कर चुकी है, वहीं अब पर्यटन को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए सीएम नीतीश खुद भी लगातार प्रयासरत है। इसके तहत ही अब बिहार कैबिनेट की बैठक 23 नवंबर को वाल्मीकि नगर में संभावित है। इसको लेकर वन विभाग बीटीआर से जुड़े तमाम जगहों को दुरुस्त करने में लगा है। हालांकि इसको लेकर सीएम नीतीश ने कुछ समय पहले ही घोषणा की थी कि वो जल्द वाल्मीकि नगर में बिहार कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। इसके पहले भी राजधानी पटना के अलावा अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक कर चुके हैं। बीटीआर में कई महत्वपूर्ण पर्यटन सुविधाओं की शुरुआत भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। वीटीआर के डायरेक्टर हेमकांत रॉय ने ईटीवी भारत को बताया है कि मुख्यमंत्री वाल्मीकि नगर के अपने दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पर बिहार सरकार ने लिया बड़ा निर्णय। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लेने के लिए विद्यार्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन अब थर्ड पार्टी के हाथ में होने वाला है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर अपना निर्णय जारी कर दिया है, क्योंकि अब तक सत्यापन शिक्षा विभाग खुद करता था, लेकिन अब आवेदकों के शैक्षणिक पत्रों का सत्यापन के लिए संबंधित एजेंसी अब पूरा करने वाला है और पूरी तरीके से जवाबदेह होगा। इसके कई फायदे होंगे। शिक्षा विभाग के इस नए फैसले से समय पर दस्तावेजों का सत्यापन तो होगा ही, साथ ही शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी कम होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने देश और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और शैक्षिक संस्थाओं के प्रमुख को पत्र भेजने का काम कर दिया है। शिक्षा विभाग ने थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के आदेश को 3 क्षेत्रों में बांटने का काम किया है। बिहार के भागलपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भागलपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर पूर्व अंतिचक गांव स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडहर पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है और विदेशों में भी पर्यटक इस विश्वविद्यालय को देखने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंतिम वर्ष या 9वीं सदी की शुरुआत में की थी। करीब 4 सदियों तक वजूद में रहने के बाद 13वीं सदी की शुरुआत में यह नष्ट हो गया। विक्रमशिला के अलावा यहां का प्रमुख पर्यटन स्थल गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अफसरशाही से परेशान हुई सरकार। बिहार सरकार अफसरशाही के मुद्दे पर आए दिन घिरती नजर आई है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब अफसरशाही सरकार की आंख में खुद ही चुभने लगी है। यही कारण है कि अब सरकार की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने इस संबंध में सभी विभागों के प्रधान सचिव, डीजीपी, कमिश्नर और डीएम को पत्र लिखा है, जिसमें सांसदों और विधायकों के पत्र का संज्ञान लेने और उस पर कार्रवाई करने के साथ साथ सम्मान प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही पत्र में कहा गया है कि सभी सरकारी सेवक और विधायकों के साथ विनम्रता और शिष्टाचार का बर्ताव करें। यदि कोई सांसद या विधायक उनसे मिलने के लिए आते हैं तो उन्हें प्राथमिकता दें और जाते समय भी उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए विदा करें। बिहार में बंद हो सकते हैं इतने निजी अस्पताल। बिहार के कई निजी अस्पतालों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत परिषद की सूची में प्रदेश के सभी जिलों में 5,433 ऐसे निजी अस्पताल हैं जिनकी मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती है। मिली जानकारी के अनुसार ये वैसे अस्पताल है जो एनजीटी के मुताबिक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि निजी अस्पतालों को बंद करने और जुर्माना वसूली करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिसके बाद ही इन अस्पतालों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2017 में वेंट्रेंस फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ के महासचिव विंग कमांडर डॉक्टर बीएनपी सिंह की तरफ से याचिका दायर की गई थी। ज्ञात हो सूबे में कुल 27,996 निजी अस्पताल हैं, इसमें 21.73% अस्पताल इस नियम के मापदंड पर खड़े नहीं हैं। बिहार के 11 जिलों में टीबी रोगियों की होगी पहचान। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और बिहार को रोग मुक्त बनाने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में बिहार में टीबी मरीजों की तलाश बिहार सरकार शुरू करने वाली है। इसको लेकर बिहार के 11 जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान इन जिलों में मरीजों की पुष्टि होने पर मुफ्त इलाज तो होगा ही, साथ ही बीमारी से बचने और बीमारों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए काउंसलिंग भी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र की गाइडलाइन के अनुरूप 2025 तक बिहार से टीबी को जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य बनाया है। वहीं जिन जिलों में ये विशेष अभियान
अभियान चलाया जाना है, उसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सारण, पूर्णिया, सिवान, गोपालगंज, नालंदा, समस्तीपुर, भागलपुर और वैशाली का नाम शामिल है। आवास और आय प्रमाण पत्र लाने के लिए अब नहीं जाना होगा दफ्तर। बिहार में लोक सेवाओं के अधिकार कानून के तहत उपलब्ध सेवाओं को बिहार सरकार ने डिजिटली जोड़ने का काम किया है, जिसको लेकर सरकार की खूब सराहना हो रही है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग इस फैसले की खूब वाहवाही कर रहे हैं। यही कारण है कि अब आम नागरिक को प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कहीं से भी करने की सुविधा दी गई है और प्रमाण पत्र लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर से छुटकारा दिया गया है, क्योंकि अब आपके मोबाइल फोन पर ही एक लिंक आ जाएगा, बस उसे डाउनलोड करना है और आपको डिजिटल सिग्नेचर के साथ प्रमाण पत्र। बिहार के तर्ज पर अब बनारस से कैमूर के लिए शुरू होगा टूर पैकेज। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, वहीं पर्यटन को बिहार में बढ़ावा देने के लिए सरकार व्यक्तिगत रूप से भी प्रयासरत है। यही कारण है कि सरकार ने अब वीटीआर के तर्ज पर बनारस से कैमूर वन अभयारण्य के लिए टूर पैकेज की शुरुआत की है। कैमूर वन अभयारण्य में इको पार्क का भी निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग योजना बनाने का काम कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्य में वीटीआर से भी वन क्षेत्र का बड़ा इलाका कैमूर वन अभयारण्य का है, साथ ही वहां की प्राकृतिक सुंदरता भी बेहतरीन है। इसके कारण ही इस क्षेत्र का उपयोग राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से किया जा रहा है। सातवें चरण में इतने प्रतिशत डाले गए वोट। बीते दिन बिहार के सातवें चरण में 903 पंचायतों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए, जिसके बाद सातवें चरण में कुल 62.14% वोट डाले गए, तो इसके बाद मतों की गिनती 17 और 18 नवंबर को होगी। हालांकि इस दौरान छिटपुट घटनाएं देखने को मिली। बिहार में बीजों की हो रही है होम डिलीवरी। खरीफ मौसम अब समाप्त हो रहा है और रबी मौसम की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद बिहार में दलहन और तिलहन फसलों की बुआई का काम चल रहा है। साथ ही अब गेहूं फसल की बुआई की शुरुआत भी होने वाली है। बिहार में इस खरीफ मौसम में अच्छी खासी बारिश भी हुई है, जिसके कारण रबी फसलों के लिए खेतों में पर्याप्त नमी भी मौजूद है। यही कारण है कि सरकार इस बार यही उम्मीद कर रही है कि रबी फसल का अच्छा उत्पादन होगा, जिसके तहत किसानों को भी अब सरकार अनुदानित दर पर बीज पहुंचाने का काम कर रही है। किसानों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए विभाग द्वारा इच्छुक किसानों को रबी फसल की बीज का होम डिलीवरी भी किया जा रहा है। इसी प्रकार रबी फसल के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी जानकारी कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दी है। जदयू ने शुरू किया झारखंड मिशन, 2000 लोगों को पार्टी में किया शामिल। बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ ही जदयू अब झारखंड में भी सत्तारूढ़ होना चाहती है। यही कारण है कि राजद के बाद अब जदयू पार्टी ने भी झारखंड में अपनी पूरी ताकत झोंकने का काम किया है, जिसके तहत बीते दिन जदयू की तरफ से आयोजित मिलन समारोह में करीब 2000 लोगों ने जदयू की सदस्यता ली है, जिसकी जानकारी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने दी है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि झारखंड में सीएम नीतीश कुमार के कामों का अच्छा प्रभाव है। जो लोग जिनके मन में 2005 से पहले वाला बिहार था, अब जब बिहार आते हैं तो बदला हुआ बिहार देखते हैं, तो उनके मन में ललक देखने को मिलती है। काश हम बिहार में होते या फिर नीतीश कुमार जैसे नेता झारखंड में। भाजपा अपने नेताओं को केंद्र में कर रही है शिफ्ट। बिहार के आयोग बोर्ड और निगम में नियुक्ति का काम बीच मझधार में अटका नजर आ रहा है। यही कारण है कि बिहार भाजपा ने अपने नेताओं को केंद्र सरकार में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, सरकारी कंपनियों में बिहार के 4 नेताओं को स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आगे 2 दर्जन से अधिक नेताओं को इसके लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसके तहत केंद्र सरकार ने सजल झा को ऊर्जा विभाग का स्वतंत्र निदेशक बनाया है, सिद्धार्थ शंभू को इस्पात मंत्रालय का स्वतंत्र निदेशक बनाया है, पूनम शर्मा को बोर्ड ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर में स्वतंत्र निदेशक और सरोज रंजन पटेल को सतलज जल विद्युत लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है, जिसके बाद अब ये सभी कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर की बैठक में हिस्सा बनेंगे और उन्हें हर बैठक के लिए भत्ता और सुविधाएं भी दी जाएंगी। कंगना जैसे को मजाक में लेना चाहिए। हाल ही में अभिनेत्री कंगना रनौत ने देश को मिली आजादी पर टिप्पणी की थी, फिर क्या था, उनके इस बयान से ही बिहार समेत देशभर की राजनीति गर्मा गई है, जिसके तहत बिहार में भी कंगना के बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। वहीं अब सीएम नीतीश ने भी कंगना के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कंगना जैसे लोग को मजाक में लेना चाहिए। कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सीएम नीतीश ने कहा कि किसे पता नहीं है कि भारत को आजादी कब मिली। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हिंदी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पद्मश्री अवार्ड लेने के बाद टाइम्स ग्रुप के टीवी चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने कहा था कि 1947 में देश को आजादी भीख में मिली, असली आजादी तो साल 2014 में। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारतीय मूल के वासुदेव पांडे त्रिनिदाद और टोबैगो के 1995 में प्रधानमंत्री बने थे। बंगाल की खाड़ी से उठे भीषण चक्रवाती तूफान सीडर ने 2007 में बांग्लादेश में भीषण तबाही मचाई थी। मुंबई में सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट से संन्यास लेने के संकल्प के बाद ही 2013 में भारत सरकार ने भी देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की आधिकारिक घोषणा कर दी। 40 वर्ष की आयु में इस सम्मान को प्राप्त करने वाले वे सबसे कम उम्र के व्यक्ति और सर्वप्रथम खिलाड़ी हैं। भारत के प्रसिद्ध लंबी दूरी के तैराक मिहिर सेन का जन्म 1930 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा का निधन 1915 में हुआ। आज ही के दिन को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। वॉर्नर को
मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिए जाने से नाराज है शोएब अख्तर। रविवार 14 नवंबर को टी20 विश्व कप 2021 का समापन हो गया। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार टी20 विश्व कप ट्रॉफी पर कब्जा किया। कीवी टीम द्वारा दिए गए 173 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मात्र 2 विकेट के नुकसान पर 7 गेंद रहते हासिल कर लिया। वहीं मैच के बाद मिशेल मार्श को मैन ऑफ द मैच खिताब से नवाजा गया। वहीं डेविड वार्नर मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। वार्नर ने सेमीफाइनल में भी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में वार्नर 30 गेंदों पर 49 रन बनाकर आउट हुए थे। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने वार्नर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। अख्तर के अनुसार वार्नर की जगह बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया जाना चाहिए था। भारत की आवाज सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक मनोरंजन और क्रिकेट पर अपने विचार और अनुभव साझा करने के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप खूब भारत की आवाज बन चुका है। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटी तक हर कोई इस लोकप्रिय भारतीय ऐप का तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। कुछ बेहतरीन फीचर्स ने इस ऐप की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया है। इसका टॉक टू टाइप फीचर एक अनोखा फीचर है। इसका इस्तेमाल करके यूजर बोलकर अपनी भाषा से विचार जाहिर कर रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग, पीयूष चावला, चितेश्वर पुजारा, रॉबिन उथप्पा, उमेश यादव, कुलदीप यादव जैसे बड़े क्रिकेटर, कंगना रनौत, श्रद्धा कपूर, टाइगर श्रॉफ जैसे बड़े फिल्मी स्टार और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी और भी कई लीडर्स और मंत्री कूपर सक्रिय हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 15 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,520 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,850 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 66,400 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम राजधानी पटना में पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है हितेश कुमार, शंकर मुखिया, संजीव कुमार सिंह, प्रकाश सिंह, दिव्यांशु कुमारी, रंजीत यादव, अजीमा फिरदौस, संजीत कुमार, अमन कुमार, उदय कुमार, अमित कुमार, भगवान लाल, हरे राम यादव, भीम कुमार, भरत प्रसाद, मिथिलेश कुमार, प्रेम कुमार पटेल, अभिषेक सिंह, पवन कुमार, गौतम कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, शोएब अख्तर की तरफ से वार्नर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट देने का फैसले का विरोध और बाबर आजम को मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिए जाने की मांग आपके अनुसार सही है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।